नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये शाम नूतन सवेरा राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी, अद्यतन कला संगम और पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क के साथ वाइट इंक एंटरटेनमेंट के सौजन्य से जुड़ी गई है। हमारे ये सभी सहयोगी हमें इस साहित्य यात्रा में बराबर योगदान देते आ रहे हैं और हमारी सहायता करते आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस किस्से कहानी की महफिल में हमारे साथ हैं जानी मानी कथा लेखिका पूनम अहमद जी। पूनम जी आने से हैं मुंबई से, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देहरादून से आदरणीय सुधा जुगलान जी। पल्लवी पुनिया जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, नमस्ते पल्लवी जी। हिना अहमद जी हैं, नमस्ते हिना जी। सुधा कसेरा जी हैं, सुधा कसेरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा आदेश जी नमस्कार, आपको नमस्कार कह रही हैं पूनम जी, सुधा आदेश जी। और इसके साथ है हमारे साथ सोमा सूर जी और रेणु मंडल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज की शाम की शुरुआत करते हैं पूनम अहमद जी की कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बस उनकी इस यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी कि कब कैसे कहाँ कहानी लिखने की तरफ उनका रुझान हुआ। मैं पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही था, जब भी खाली समय मिलता मैं पढ़ती बहुत थी, सारी मैगजीन लाइब्रेरी से बहुत बुक्स इशू करवाती थी। पढ़ने का बहुत शौक था और बुक पढ़ते पढ़ते ही फिर लिखने की इच्छा होने लगी और करीब 15 साल से लेखन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। पहली कहानी शुक्रिया ग्रशोभा में छपी थी, वो एक पेज की छोटी सी कहानी थी जिसे ऐसे ही बस सोच के बहुत छोटी कहानी लिखी थी। और जब उसकी चुनौती की सूचना आई तो बस फिर एक हौसला सा मिला और फिर अपना सिलसिला लेखन का चलता रहा, तब से चल रहा है। पहली कहानी बहुत छोटी थी, शुक्रिया लिखी थी करीब 15 साल हो गए और उसके बाद तो फिर अब तक 500 कहानियाँ हो चुकी हैं, फिर 200 हो चुकी है। और तो काफ़ी महंगी बहुत, फिर तो कई तरह की जितनी भी हमारी प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ हैं वो प्रकाशित होती रही, तो वही सिलसिला चल रहा है। आपकी ये यात्रा बहुत प्यारी है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन इस यात्रा में अभी हाल ही में थोड़ा थोड़ा इस यात्रा के बारे में जानने लगी हूँ। जितना जानने लगी हूँ उतने ही आपके लेखन को लेके बहुत सारी एक जिसको कहते हैं ना जिज्ञासा, वो मन में आता जा रहा है कि एक बार पूनम जी से कहानी सुनी हो जाए। तो आज मेरी वो इच्छा जिसको कहते हैं ना पूरी हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आज पूनम जी मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं और हमारी सभी जो हमारे साथ मौजूद हैं बड़े इतने विद्वजन मौजूद हैं इस वक्त प्रकाशक के पटल पर, तो उन सभी के साथ आज पूनम जी की कहानी सुनने की प्रतीक्षा है। पूनम जी आज कौन सी कहानी सुनाने वाले? अभी पिछले साल ही मेरी पहली किताब आई है कभी अपने लिए, तो उसी की उन्हीं उसी में जो प्रकाशित कहानी है उनमें से एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगी, सॉरी माँ। शुरू कर किताब को लेकर भी कुछ बात करनी है आपसे, लेकिन वो पहले हम कहानी सुनेंगे उसके बाद। जी जी, मैं शुरू करूँ? जी बिल्कुल, धन्यवाद। सॉरी माँ नाम है कहानी का। दोपहर 2 बजे मेरी आंख खुली, उनीदी आंखों से सामने टंगी घड़ी पर नजर डाली। मैंने आज फिर कॉलेज की छुट्टी कर ली थी, इंजीनियरिंग का मेरा अंतिम वर्ष है पर कॉलेज जाने की मेरी इच्छा होती ही नहीं है। आंखें बंद किए किए मैंने रात में लिखी अपनी कविताओं के बारे में सोचा, बड़ा संतोष हुआ, एक आत्मिक खुशी हुई। आजकल मैं बहुत खुश हूँ। मैं कविताएं तो 4-5 सालों से एक डायरी में लिखता रहता था, पर एक दिन जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ कविताएं पोस्ट की और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मेरे उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। मैंने अपना पेज भी बना लिया है, मेरे प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसे देखकर मैं फूला नहीं समाता हूँ। जीवन में और क्या चाहिए,
इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि। मेरी एक ईबुक भी आ गई है। मैं अब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई करने लगा हूँ। कॉलेज की फीस ही पापा देते हैं, बाकी मैं मैनेज करने लगा हूँ। माँ हैरान है मेरी प्रतिभा से। रोज जब वे उठती हैं, रात में लिखी मेरी कविता पढ़कर खुश हो जाती हैं। पापा इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, पर मेरा मन तो अब कविताओं में ही रमता है। कुछ साल पहले मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मुझसे 5 साल छोटा मेरा भाई आशीष जब कहता है कि अमन भैया, आपके पेज को तो कितने लाइक्स मिल चुके हैं ना, कितने फैंस हैं आपके, तो मैं गर्व से तन जाता हूँ। मैंने लेटे लेटे अपने फोन पर फेसबुक खोला। वाह, रात 3 बजे कविताएं पोस्ट करके सोया था, इतने लाइक्स और कमेंट्स। खुशी से भर उठा मैं। माँ को बताऊंगा, कितनी खुश होंगी। आजकल मैं माँ सीरीज पर कविताएं लिख रहा हूँ, बहुत पसंद की जा रही हैं। मैंने फिर टाइम देखा, अभी तो माँ लंच करके सो रही होंगी। मैंने लेटे लेटे ही अपना मेल चेक किया। ये क्या, माँ ने मुझे मेल लिखा है इतना लंबा? अरे पर क्यों? दूसरे रूम में लेटी माँ को मुझे मेल भेजने की क्या जरूरत है? माँ भी ना आजकल बीमारी में लेटे लेटे बोर हो रही होंगी, कुछ भी लिख दिया होगा। पढ़ती हूँ। जैसे जैसे मैंने माँ का मेल पढ़ना शुरू किया, मेरी सारी सुस्ती हवा हो गई। मैं बेड से टेक लगाकर उठकर बैठ गया। लिखा था, सुबह नहाकर निकली, इतने में ही थकान हो गई थी। बेड पर लेटकर आज उदास मन से बहुत कुछ सोचती रही। बहुत अजीब सी तबीयत है, अब दिल की मरीज हो गई हूँ। अब अपना ध्यान भी तो खुद ही रखना पड़ता है। 46 साल की उम्र में दिल धोखा दे जाएगा, यह कब सोचा था? मैं तो इतनी फिट थी, अपने स्टेमिना पर खुद ही हैरान हो जाती थी। अब लेटी तो पिछले महीने की वह रात फिर याद आ गई, जब रात 1 बजे सांस लेने में पूनम परेशानी जी हो गई थी। माफ कीजिएगा, एक पूनम चुटकी भी जी निकली थी तो बराबर में सोए सुनील की भी आंख खुल गई थी। उस दिन अब मुझे चूकर गुजरी थी। महसूस किया था मैंने, सुनील और तुमने फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। सांसें अभी लिखी थी तो बच गई हूं फिलहाल, पर कितने दिन? पता नहीं, रिपोर्ट्स देखकर तो सभी हैरान रह गए थे ना। मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है। ठीक है, जब जैसा होगा। तुम और आशीष मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हो, डॉक्टर्स ने भी थका देने वाले काम मना किए हैं। सब परिचित रिश्तेदार देखने आकर वापस जा चुके हैं। खाना बनाने के लिए अच्छी मेड मिली नहीं, बस साफ सफाई करने वाली रमाबाई से मिलकर काम चला रही हूँ। पर आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस गृहस्थी को संभालने में मैंने सालों लगा लिए हैं, पर आज मेरी जरूरत के समय मुझे तुम लोगों से जिस केयर और सहयोग की आशा थी, वह मैं तलाशती ही रह जाती हूँ। मैंने आज सुबह फेसबुक देखा तो तुम्हारी रात की लिखी हुई कविता दिखी, काफी लाइक्स और कमेंट्स थे। तुम रात रात भर जाके कविताएं लिखते हो, दिन भर सोते हो, तुमने अपना अजीब सा रूटीन बना लिया है, बातें भी खूब बड़ी बड़ी करते हो। आज तुम्हारी माँ सीरीज की कविता मैंने भी पढ़ी तो मुझे मन ही मन व्यंग्यपूर्ण हंसी सी आ गई थी। माँ के त्याग, ममता से भरी कविता, पर यथार्थ की दुनिया में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लफ्जों के मायने क्या हैं? कल मुझे तुम कह रहे थे, माँ मैं आजकल मदर की फीलिंग्स पर सीरीज लिख रहा हूँ, आपको डेडिकेट करूंगा। मैंने प्रत्यक्ष खुशी दिखाई। माँ हूं ना, मेरा काम ही है बच्चों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करना, पर मेरा मन आहत है, क्योंकि सच तो यह है कि तुम मुझे मुझे इस समय तुम्हारे बड़े बड़े शब्दों में पिरोई गई कविता नहीं, तुम्हारा प्यार साथ चाहिए। इस समय मुझे माँ सीरीज में ऑनलाइन प्यार नहीं, मेरे तन मन को अपनी देख रेख से सुकून पहुंचाता, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखता बेटा चाहिए। एक ही फ्लैट में पूरा दिन अपने रूम से ना निकलकर कविताओं के संसार में डूबे, रात भर जागते, दिन भर सोते, शाम होते होते, माँ आप आराम कर रही हो ना, अपना ध्यान रख रही हो ना? वी नीड यू, टेक केयर। कहते बेटे के माँ के लिए अपने प्यार का ढिंडोरा पीटते शब्द नहीं चाहिए। मुझे इस समय उभरते प्रतिभावान कवि को दरकिनार रख एक बेटे की देखरेख चाहिए, जो यह देख ले कि मैं नहाकर निकली तो मैं कितनी थकी हुई थी। मुझे उस समय कुछ फल या जूस दे दे, मेरे हाथ से मेरा टॉवेल लेकर तार पर टांग दे, मुझे जबरदस्ती लेटा दे। सुनील टूर पर है, आशीष लापरवाह है, आत्म केंद्रित है, पर तुम तो भावुक हो, तभी तो इतनी गहरी कविताएं लिख पाते होंगे। पर क्या जो गहरे शब्दों में खुद को डुबो देते हैं,
असली जीवन में एक ही घर में रहकर अपनी माँ के दुख दर्द उन तक नहीं पहुंच पाते, या वे अनसुना कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना जीवन है अब। बस यही चाहती हूँ कि इन दिनों बस मेरा बेटा यह देख ले कि मैंने कुछ खाया है या नहीं, दवाई ली है या नहीं। कभी वह मुझे अपने हाथों से कोई फल काट कर दे दे, कभी मेरे पास यूं ही लेटा रहे, कभी अपने अनाड़ी हाथों से जबरदस्ती मुझे कुछ बनाकर खिलाए, कभी यह कह दे कि बस माँ अब आप आराम करो जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओ, काम तो हम दोनों भाई मिलकर कर लेंगे, पर तुम दोनों तो अक्सर सो रहे होते हो या लैपटॉप पर होते हो। डोरबेल होने पर भी मैं ही उठती हूँ, तुम्हें पता है कभी कभी तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, मन अपने बेटों को आवाजें देता रह जाता है। पर मैं हैरान भी हूँ, मुझे जल्दी ठीक भी तुम ही लोगों के लिए होना है। जानती हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो इस घर का ईश्वर ही मालिक है, इस घर के तीनों पुरुष सदस्य एक दूसरे का ध्यान कभी रख ही नहीं पाएंगे। विधाता ने यही तो कमाल किया है कि हर स्थिति में माँ पत्नी अपने पति बच्चों का हित ही सोचती है, भले ही उसकी अस्वस्थता में कोई उसका ध्यान न रखे, उसके दुख दर्द अनकहे रह जाएं, उन्हीं के लिए वह शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होना चाहती है जिसका साथ वह अस्वस्थता में तलाशती रह जाती है। अब सोच रही हूँ कि तुम्हें तो प्रसिद्ध कवि बनना है, तुम क्षेत्र में दूर तक जाना चाहते हो, तुम्हें पोएट्री में बहुत ऊंचाइयों को छूना है। मेरी शुभकामनाएं आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, पर आज मैं कुछ और सोच रही हूँ। तुम अपनी माँ की भावनाएं महसूस किए बिना माँ सीरीज के शब्दों में भावनाएं पिरो पाओगे? कवि और लेखक तो दूसरों के दुख दर्द महसूस करके उन्हें शब्दों में ऐसे ढालते चले जाते हैं कि हर पाठक को वह अपनी बात लगने लगती है। क्या तुम्हारे शब्द पाठक के दिल को छू पाएंगे जब तुम्हारी अपनी अस्वस्थ माँ अपनी कोमल भावनाओं को तुम्हारे साथ बांटने का इंतजार करती रह जाती है? मैं चाहती हूँ एक मशहूर कवि बनने से पहले तुम ऐसा बेटा बन जाओ कि अपनी माँ की अनकही बातें भी समझ सको, कल्पनाओं में नहीं यथार्थ में। विधाता ने नारी मन को जटिल तो बहुत बनाया है, पर इतना भी नहीं कि कोई बेटा चाहे तो इसे जान ना पाए। तुम्हें आहत नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों को उनकी भावनाओं को छू जाने वाली रचनाएं लिखनी है तो पहले उन्हें महसूस करना होगा। तुम्हारी माँ पर लिखी कविताएं मेरे ही दिल को नहीं छू पाती, मैं उन्हें शब्द समझकर पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, तो वो किसी और को क्या छू पाएंगी? ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी तुम्हें जमीन पर भी अपनी ठोस पकड़ बनानी है, शाब्दिक नहीं यथार्थ की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने हैं। ये जो इतने मशहूर कवि लेखक शायर हुए हैं ना, वे अपने तो अपने दूसरों के दुख में भी ऐसे डूब कर निकले हैं कि उनका एक एक लफ्ज पढ़ने वाले को झकझोर गया है। अमन, अपनी माँ की भावनाओं से अछूते रह जाओगे तो माँ सीरीज कितने आगे तक ले जा सकोगे? मैं भी तुम्हें सफलता के शिखर पर देखना चाहती हूँ, बस अब थक गई हूँ तुम्हारी माँ। मेरी आंखों के सामने अचानक सब धुंधला हो गया, मेरे गालों पर गीलापन बढ़ता जा रहा था, मैं सर पकड़कर बैठ गया। माँ तो कोई कवि या लेखिका भी नहीं है, फिर भी उनका एक एक शब्द मुझे झिंझोड़ गया। ये क्या हो गया मुझसे? उस रात डॉक्टर ने कितना साफ साफ कहा था इन्हें लाने में कुछ सेकंड्स की भी देर हो जाती तो। ओ, डॉक्टर ने ये 3 महीने चिंताजनक बताए हैं। माँ बहुत बीमार हैं, पापा मीटिंग के लिए टूर पर हैं, आशीष मस्तमौला है, और मैं क्या करता हूँ उनके लिए? रातों को जागकर माँ पर लंबी लंबी कविताएं लिखता हूँ, दिन भर सोता हूँ, शाम से रात तक इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपने नए कवि मित्रों के साथ किसी कैफे में बैठकर विचार गोष्ठी करता हूँ। रात को आता हूँ तो माँ जितना भी बना पाती हैं कभी खा लेता हूँ, कभी पसंद ना आने पर आशीष और मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। माँ थकी सी वह खाना उठाकर फ्रिज में रख देती है और शायद अगले दिन वही खा लेती है। मैं शर्मिंदगी के अथाह सागर में डूबता जा रहा था। माँ को तो आराम करना है, पर कैसे करेंगी वे आराम? उनके हाल चाल पूछकर कविताओं में डूब जाता हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, एक ही फ्लैट के दूसरे बेडरूम में लेटी इतनी अस्वस्थ माँ से इतना दूर हूं मैं कि आज उन्हें अपने मन की बातें शेयर करने के लिए मुझे मेल लिखना पड़ रहा है। छी, लानत है मुझ पर। मैंने बराबर में सोए आशीष पर नजर डाली। ये भी क्या सीखेगा मुझसे, सबसे दूर अपने रूम में अकेले जीना? मैंने धीरे से जाकर
माँ के बेडरूम का दरवाजा खोलकर झांका, माँ सो रही थी। फिर पूरे घर पर नजर डाली, सब अस्त व्यस्त, हर कोना बिखरा हुआ। माँ को कैसे चैन आता होगा जब घर की यह हालत देखती होंगी। मेरी रुलाई फूट पड़ी। कितना दुख होता होगा उन्हें, दो युवा बेटों के होते हुए उनका कोई साथ नहीं, कोई आराम नहीं। पता नहीं अपने लिए क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं, आजकल कितनी चुप रहने लगी हैं माँ। मैंने फ्रिज खोलकर देखा, कोई फल नहीं है घर में। माँ को फल कितने पसंद हैं। वॉशिंग मशीन के पास कपड़ों का ढेर लगा है। 2 दिन पहले माँ ने मशीन चलाई थी, कपड़े सुखाने में ही हाफ गई थी। मुझे याद आया जब शाम को माँ थकी सी हाथ में कपड़े लेकर अचानक चेयर पर बैठ गई थी। मैं उस समय माँ पर ही तो कविता लिख रहा था, मैंने क्यों नहीं उनके हाथ से कपड़े लेकर उन्हें लेटा दिया। माँ के मेल का एक एक शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। फ्रेश होकर मैंने उनके लिए उनकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई। पहली बार इस बीमारी में उनके लिए कुछ किया। मन पता नहीं कैसा हो रहा था। मैंने एक गिलास पानी, चाय, कुछ बिस्किट ट्रे में रखे और उनके रूम में पहुंचा। मेरी आहट से माँ ने आंखें खोल दी। माँ से नजरें मिली तो खुद को रोक नहीं पाया और ट्रे एक तरफ रख उनके पास लेटकर उनसे लिपटकर जोर से रो पड़ा। मेरा रोम रोम सॉरी कह रहा था। माँ तो माँ है ना, सब समझ गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा सर सहलाया, मैंने भी महसूस कर लिया कि मुझे माँ ने माफ कर दिया है। वे समझ गई हैं कि मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ। उनके पास अपनी दुनिया में खोया आत्मकेंद्रित कवि नहीं, उनका बेटा लेटा था। वे यही तो चाहती थी ना, बस इतनी सी बात मैं समझ नहीं पाया था। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा था, पर दोनों एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर रहे थे। इस मौन में बड़ा स्नेह था, शांति थी, ममता थी। मैं इस मौन से अभिभूत होता चला गया था। हम दोनों की ही आंखों से माँ बेटे के प्रेम की अविरल गंगा की गंगोत्री जैसे निःशब्द बहती चली जा रही थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर था। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? नहीं, अभी थोड़ी हल्की आ रही है। जी जी आई जी जी हल्की आ रही है। आई अब आई जी जी अब बहुत कम आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही, अब ठीक आ रही है। अब आपको ठीक आ रही है? बहुत धीरे है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आपकी आवाज एकदम बराबर मिल रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, आ रही है, हल्की है लेकिन आ रही है। अच्छा, मेरी आंखें नम हो गई और बहुत सुंदर, बहुत संवेदनशील मन है आपका। और कैसा है, एक कैसा आपको अब आ रही है? बस नहीं, बहुत कम आ रही है, बहुत ही कम। ऐसा क्यों? मैं ये निकाल कर देखती हूँ, अब आ रही है? नहीं राजू जी, बहुत कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी थोड़ी अभी आई जी, थोड़ी आई जी। बहुत पानी और जितने भी यहाँ पर जितने भी सुनने वाले हैं वो सभी का एक ही बात सुधा चुगरान जी ने कहा, जितनी भावपूर्ण कहानी उतना ही भावपूर्ण वाचन। पल्लवी पुंडी जी भी मेरी बात कह रही हैं, आंखें नम हो गई शब्दों से यथार्थ। अच्छा, आवाज के बारे में कह रही है, हमें तो दोनों की ठीक आ रही है। और दिव्या त्रिवेदी जी भी आ गई हैं, स्वागत है दिव्या। रेणु मंडल जी हैं, उन्होंने कहा बहुत सुंदर प्रस्तुति। साहिल अहमद साहब कह रहे हैं वाह। नीलम सौरभ जी कह रही हैं बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई पूनम जी। और आदरणीय संजीव जायसवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत सुंदर कहानी है। और
सुधा संजीव जायसवाल जी का भी यही कहना है कि ये कहानी हर बेटे को पढ़नी चाहिए। और हमारे साथ इस समय सबा सबा जहानिया ही मौजूद। सुधा कसेरा जी ने भी यही बात कही कि हर बेटे को पढ़नी चाहिए ये कहानी। पल्लवी पुन्नी जी ने कहा जब ये कहानी पढ़ी थी तब भी आंखें नम हो गई थी, आज फिर हृदय में पीड़ा हो रही है, शाब्दिक नहीं यथार्थ में जीवन व्यतीत कर। बहुत सुंदर। आप सबको कहानी पसंद आई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के युग का सत्य है कि अपने हम बच्चे सब जानते हैं, सभी बातें जानते हैं, ये भी पता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन शायद उस हद तक वहां तक वो पहुंच नहीं पाती। और ना पहुंच पाने की पीड़ा से जूझती हुई माँ का ये कहानी बहुत मन को छू गई। सबसे ज्यादा प्रेरित करती है पूनम जी कहानी लिखने, जब आप कहानी लिखने आपको कलम उठानी पड़ती है, कौन सी बात है वो जो सबसे ज्यादा आपको उकसाती है? मुझे जो भी मैं आसपास की जो घटनाएं होती हैं, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, बात करते करते कोई भी बात ऐसे दिल को छू जाती है कि कहानी बुनना शुरू कर देता है मन। और कहीं बहुत लंबे चौड़े विषय नहीं सोचने पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि कहानियां हर तरफ आसपास बिखरी हुई हैं। किसी के से बात करते हुए भी कोई भी एक बात ऐसी होती है जो दिल को लगती है और कहानी तैयार होने लगती है। बहुत बैठ के बहुत मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा कि मैं कौन से विषय पे सोचूं, क्या मुझे अब क्या लिखना चाहिए, कोई बहुत मुझे कभी भी विषय सोचने नहीं पड़ते। मुझे ऐसा लगता है कहानियां आसपास है, वही मुझे ढूंढ रही है। मुझे अपने आसपास ही इतना कुछ ऑब्जर्व करके मिलता है लिखने के लिए कि कभी भी सोचना नहीं पड़ा कि अब क्या लिखूं। बहुत कुछ रहता है लोगों से बात करके, उन्हें ऑब्जर्व करके। अभी इसी किताब में अभी और ज्यादातर कहानियां वास्तविक घटनाओं से मिलती हैं। मुझे काल्पनिक बहुत कम है। और जैसे अभी एक कहानी बहुत शुरू में जब लिखना शुरू किया तो एक कहानी लिखी थी, इस बुक में भी है वो, दो कप चाय। तो वो बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। एक आंटी है पड़ोस में, तो अंकल की जब डेथ हुई तो आंटी बहुत स्ट्रांग मानी जाती हैं, और जैसे उनको वो काफी स्ट्रांग रही जब कोई उनके पास अफसोस करने जा रहा था। ऐसा नहीं कि वो बहुत रो रही थी और बार बार अपना दुख बता रही थी अंकल के ना रहने पे, अकेली रहती है आंटी का कोई नहीं है। तो जब मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैं जब बाहर दिल्ली से वापस आई यहाँ पर, तो मैं आंटी से मिलने गई। वो आंटी बिल्कुल चुपचाप थी, ट्यूशन पढ़ा रही थी, और वो मेरे लिए चाय बनाने उठी तो उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला कि इतना दिन हो गया लेकिन अभी भी सुबह चाय दो कप बन जाती है अनजाने में। वो बात मुझे ऐसे छुई दिल को कि मैं, मतलब आंटी चुप थी लेकिन मुझे रोना आया ये बात सुन के। और फिर मैंने वो कहानी लिखी थी, दो कप चाय। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सोचना पड़ा, अपने बिल्कुल ऊपर वाले फ्लैट की बात थी तो एकदम देखा परखा सच था ये, कि जरूरी नहीं है। मतलब हम लोग कभी कभी देख कुछ और रहे होते हैं, होता कुछ और है सामने वाले के दिल में। वो महसूस करना, उससे जुड़ना, वो बहुत जरूरी है कुछ लिखने के लिए। वही बात है कि कुछ लिखना है बिना किसी से जुड़े, बिना किसी की भावनाओं को एहसास किए बिना मैं जुड़ नहीं पाती। मैं जुड़ जाती हूँ उस चीज से जिससे मैं लिख रही हूँ, मैं जुड़ी हुई होती हूँ उससे, मन से। तो ऐसे ही मिलते हैं बस, आसपास बिखरी हुई दिखती हैं कहानियां। तो जुड़ाव आपकी आवाज में भी महसूस होता है और आपके लिए महसूस होता है। आपसे बात हुई थी तो मुझे वो जो पहला एक अजनबीपन खट से खींचता है ना, नाम बताने के बाद धीरे धीरे दोस्ती होती है, उसके पहले जो पहले परिचय के साथ जो एक अजनबीपन टकराता है वो कभी कभी बड़ा मतलब मैं उससे थोड़ा सा। लेकिन आपकी आवाज बड़ी गर्म भरी हुई और एकदम बिल्कुल वैसे तुरंत आकर खींचती है जो लेखन में वो भी वही बात कराती है। और मुझे भाषा भी मुझे लगता है कि आसान होनी चाहिए भाषा भी, बिल्कुल अपने भाषाई कौशल को दिखाते हुए बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों से बचती हूँ मैं। आम भाषा में कहानियां लिखती हूँ, सरल सहज भाषा होनी चाहिए
जो पाठकों के दिल तक छुए। भाषा रुकावट नहीं बननी चाहिए, लेखक और क्या पाठक के बीच में रुकावट नहीं बननी चाहिए। मैं बहुत आम बहुत भाषा में सुंदर, कहानियां लिखती हूँ, बहुत बड़े बड़े शब्दों से मैं थोड़ा परहेज करती हूँ। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। आप लघु कहानियां भी लिखती हैं? लघु कहानियां बहुत कम लिखी हैं, ज्यादा नहीं, 5-6 लिखी हैं। तो आज कोई लघु कहानी सुनाने का विचार है? जी, मैं एक सुनाती हूँ कहानी। ये जो स्वागत। कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने अपना अनुभव बताया था मुझे। इसमें कोई अच्छा कल्पना नहीं है, ये फिर वही बात है कि बिल्कुल सच्ची बात से जुड़ी हुई है। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, उनका अनुभव है ये, जिसको फिर मैंने कहानी के रूप में लिखा था। मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी है। चिड़िया का बच्चा। चिड़िया का जी बच्चा। मैं पत्रिका पढ़ रही थी, तभी मुझे एसी के नीचे ग्रिल पर कुछ आहट सी सुनाई दी। तो मैंने उठकर देखा, एक चिड़िया तिनके लाकर अपना घोंसला बनाना शुरू कर चुकी थी। मैं कमरे के शीशे से अंदर से बिना कोई आहट किए वह प्रक्रिया देखती रही। अतुल शाम को ऑफिस से आए तो मैंने बड़े उत्साह से उन्हें ये जानकारी दी। अतुल कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं, हम अकेले ही रहते हैं, हमारे दोनों बेटे विदेश में हैं। एक छोटे से चिड़िया के बच्चे ने मेरा पूरा रूटीन बदल दिया था। मैं मेड से कहती कि चुपचाप काम करे, आहटों से कहीं चिड़िया उड़ ना जाए। देखते ही देखते चिड़िया का बच्चा भी हो गया। मैंने मन ही मन उसका नाम बंटी रख दिया। अतुल मेरे जीवन में बंटी के आने पर हंसते। हम दोनों अब वे खिड़की ही ना खोलते कि कहीं चिड़िया और बंटी को दिक्कत ना हो। हम दोनों के शांत अकेले जीवन में बंटी ने बहुत सुंदर बदलाव ला दिया था। अब तो हमारे पास बातों के विषय भी चुकने से लगे थे, पर बातों के नीरस टूटते क्रम में बंटी की बातें भरती चली गई थी। चिड़िया जब दिन में उड़कर चली जाती, मैं धीरे से खिड़की खोलती। बंटी अभी उड़ना नहीं जानता था, मेरी आहट पर दुबक जाता। मैं उसे पुचकार देती, कभी अपनी उंगली को गीला कर उसकी चोंच में पानी टपका देती, कभी कुछ अनाज के दाने उसके पास रख देती। अब अतुल आते, पूछते, बंटी ने पानी पिया? बंटी डरा तो नहीं? चिड़िया आई थी क्या? हमारी बातें बंटी के इर्द गिर्द घूमती। बंटी फुदकने लगा, दिन में मेरी खिड़की पर आकर बैठने भी लगा। मेरा मन चहकने लगा, मेरी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। चिड़िया दिन भर ना आती। बंटी धीरे धीरे कमरे के अंदर भी फुदकता हुआ आ जाता, फिर अपने घोंसले में चला जाता। मेरा अकेलापन तो एकदम गायब हो गया था। मेरी सारी दिनचर्या बंटी के इर्द गिर्द घूमती। मैं दुकान में जाकर उसके लिए और दाने ले आई। उसके घोंसले में खूब टाइम से दाना पानी रखने लगी। अतुल भी उसकी बातें करते उत्साहित हो जाते। कई बार वे रात में उठकर भी उसे झांक लेते, मुझे अच्छा लगता। मैं अपने बच्चों को बंटी के बारे में बताते हुए पता नहीं क्यों उदास भी हो जाती। मुझे शायद एक खटका लगा हुआ था, जो गलत भी नहीं था। देखते ही देखते बंटी एक दिन उड़ गया। मैं दिन भर खिड़की खोले बैठी रही, कभी इधर झांकती कभी उधर। मुझे पहले यही लगता रहा कि शायद रास्ता भूल गया है, आएगा अचानक, पर बंटी नहीं आया। परिंदा था, उड़ान भरनी ही थी। पता नहीं क्यों उस दिन बच्चों से बात करते हुए मेरे गाल भीगते रहे, दिल बैठता रहा। धन्यवाद। ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है फिर? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आई। जी मैंने अपना माइक बंद कर दिया, जी अब आई। आपका कथ भी बहुत सुंदर है और उस सरल कथ में बहुत बड़ी बड़ी बात, दिल को छूने वाली बात कह जाना, ये आपकी विशेषता। धन्यवाद, धन्यवाद। हार्दिक इच्छा है कि आपसे बहुत सारी कहानियां सुनें और आप हमेशा ऐसे ही लिखती रहें और हम सुनते रहे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसे कहानीकार को खोजना और उसको पढ़ पाना जो आपकी जिंदगी के बेहद करीब से ही कहानियां उठाए और उनको इतने आसान से कह जाए कि आप कहानी खत्म होने पर आपको समझ में आए कि अरे ये तो जिया हुआ सच लग रहा है। तो जी, धन्यवाद। सुंदर कहानी। धन्यवाद।
आज का ये समय बहुत खूबसूरत कटा और मेरे ख्याल से हमारे साथ जितने भी लोग थे उन सभी ने इस बात को बिल्कुल महसूस किया होगा। पूनम जी, कहानी की इस यात्रा में अभी आपने एक किताब लिखी है, आगे का क्या विचार है? अभी दूसरी किताब का अभी सोच रही हूँ, पक्का नहीं है, लेकिन अभी सोचना शुरू किया है कि हाँ कहानियाँ एक किताब अभी और अगले साल तक कोशिश करूंगी कि आ जाए। बिल्कुल, हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द जी जी। आपको कुछ यहाँ पर जो कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ पढ़ के सुना। सौरभ जी ने कहा है चिड़िया का बच्चा बहुत सुंदर। सुधा थपलियाल जी कह रही हैं पूनम तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है भी रहे। सच में मेरा भी यही मन कर रहा है और मैं उन्हें जानकारी देना चाहती हूँ। दिव्या त्रिवेदी, जीवन का हिस्सा है कहानियां आपकी, बहुत सुंदर सरल सहज। और पद्मा अग्रवाल जी ने कहा है वाह बंटी प्यारी सी कहानी। रंजना जायसवाल जी, बहुत सुंदर कहानी पूनम जी। सुधा कसेरा जी, इनकी किताब कभी अपने कभी अपने लिए जी। अच्छा, कभी अपने लिए, ये आपकी किताब है जी। जरूर जरूर पढ़ेंगे सुधा कसेरा जी, हमें बिल्कुल उत्सुकता हो रही है कि बिल्कुल पढ़े इस किताब को। अत्रि सिंह जी ने कहा है मुझे भी चिड़िया के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। संजीव जायसवाल जी, पल्लवी जी सही कह रही हैं। पल्लवी पुंडरी जी, पूनम जी आप लिखती रहे और हम पढ़ते रहे। सही बात है, आप लिखती रहे और हम पढ़ते रहे। नितीश वानखेड़े जी, प्राउड ऑफ यू। साहिल अहमद जी ने कहा है प्राउड ऑफ यू मॉम। सुधा जी है मेरा जी। सुधा जुगरान जी, राजू धन्यवाद सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरजा श्रीवास्तव जी ने कहा है बहुत सुंदर कहानी। और दीप्तिश वानखेड़े ने कहा है पूनम आंटी बेस्ट। बेस्ट तो है। सुषमा भंडारी जी ने कहा है कि बहुत बहुत बधाई। पद्मा अग्रवाल जी ने कहा है प्राउड ऑफ यू। सुधा कसेरा जी, धन्यवाद सुधा कसेरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबा जहानिया ने कहा है प्राउड ऑफ यू मैम, मामी। रिनु मंडल, बहुत सुंदर संचालन, धन्यवाद। और ये है रूपा प्रभु एगड़े जी, पूनम व्हाट अ ब्यूटीफुल नरेशन, आंखों में पानी ले आया, सुपर डियर। थैंक यू रूपा। और हिना अहमद जी, प्यारी माँ बेटी है जी, बेटी है मेरी। संजीव जायसवाल जी, जितनी सुंदर कहानी उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। और नीलम सौरभ जी ने कहा है कभी अपने लिए कहानी संग्रह में एक कहानी चिंगारी, बहुत शिवानी 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 बहुत मार्मिक, बहुत अच्छा लगा। साहिल अहमद जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये हमारी हमें खुशी हो रही है कि पूनम अहमद जी आज इस पटल पर है। और आपसे यही अनुरोध रहेगा कि प्रकाशित के इस मंच से पटल से जुड़ी रहे और सुंदर सुंदर कहानियों के साथ फिर मिलते रहे, ऐसी एक शाम गुजारते रहे। और ये कहानी हमने आप प्रकाशक के लिए वेबसाइट के लिए आप अगर भेजेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हम उसे अपने वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे। आज की शाम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उसके साथ ही साथ पूनम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर कहानी सुनाई हमें। जितनी सुंदर कहानी लिखी गई उतना ही सुंदर उसका वाचन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं पर मुझे ये लगा जैसे मेरी आंखें भीग रही थी, वैसे वैसे पूनम जी का गला भी रुंध रहा था शायद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी रहा।
अब आज की इस शाम को यहीं पर विराम देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपने बहुत छोटी कहानी पढ़ी और हम एक बड़ी कहानी ले सकते हैं अगली बार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पर उपस्थित इस समय सब सब जुड़े हुए जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।